जहां कहते खालिस्तान बनाए गण की ऐसी की तैसी बनाए गण को जवाब देना होगा कि आप भारतीय हो, आप पंजाबी हो या आप खालिस्तानी हो, कौन सा खालिस्तान चाहिए? भूखे नंगे पाकिस्तान, चाइना के टुकड़े पड़ने वालों के जहां खाने को रोटी नहीं, उस पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते? टुकड़े टुकड़े कर दिया, कौन से खालिस्तानी हो? आप हो कौन बताइए? आपकी जमीर, आपकी अणखुणवक मानता जब जाके पाकिस्तान खड़ा। कौन से ऐसे ग्रंथ साहब में लिखा है कि हम मानवता को मारेंगे, हम हिंदू को मारेंगे, हम मुसलमान को मारेंगे, हम ईसाई सिख को मारेंगे? जो आपका नारा नहीं लगाएगा उनको मार देंगे? सिख कौम सिखों के लिए नहीं बनी, सिख कौम इस दुनिया के लिए नाम बनाया हमारे गुरु साहबानों ने कुर्बानियां करके। रहे आप तो गदार हो कौम के, आप मजरू। अरे आपके अंदर इतनी दिलेरिया, जाओ जाके कश्मीर ढूंढो जिसने हमारी सिख बहन को शहीद किया था, जाओ जाके पाकिस्तान। और ये पठानकोट का एरिया आसपास सब कुर्बानी शहादतों से गांव के गांव भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ शहादतें, एक तरफ यहां से कुछ किलोमीटर दूर नारे लगते हैं गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। एक तरफ भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रथम राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, और दूसरी तरफ इस मातृभूमि इस पंजाब की धरती के अंदर 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद, 19,000 हमारे हिंदू भाइयों की उस वक्त शहादत के बाद, हजारों बच्चे शहीद होने के यतीम होने के बाद, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़ने के बाद, हजारों पुलिस वाले जवानों की कुर्बानियों के बाद, अभी ये खालिस्तान के नारे लगाने वाले अभी तक खून के प्यासे हैं, ये चाहते क्या है? इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पंजाब का गाँव है ना, जब शहादत का जाम पी के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई बॉडी आई थी या जा रही थी, तो हर घर से, हर बच्चे से लेके बड़े तक एक ही आवाज निकलती थी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये पंजाब की धरती पे थोड़ी दूर जहां कहते खालिस्तान बनाएंगे की ऐसी की तैसी बनाएंगे, इनको जवाब देना होगा कि आप भारतीय हो, आप पंजाबी हो या आप खालिस्तानी हो, कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? पूछना चाहता हूं कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? ये भूखे नंगे पाकिस्तान, चाइना के टुकड़े पड़ने वालों के जहां खाने को रोटी नहीं, उस पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं? आपके अंदर अगर खालिस्तान बनने की बात है, आप इतने बहादुर हैं, इतने दलेर हैं, तो जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर एक सिख मेरी बहन प्रिंसिपल जिसका आतंकवादियों ने गोलियों का निशाना बना के शहीद कर दिया, 25 से ऊपर कई साल पहले हमारे सिख भाइयों को लाइन में खड़ा करके गोलियों का निशाना बना दिया, काबुल कंधार के अंदर गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, माओ के सामने बेटियों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, पति को मार दिया, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, ननकाना साहेब वहां की ग्रंथी की बेटी को अगवा कर लिया, और गुरुद्वारा साहब का नाम किसी काफर ने कहा इसको बदल देंगे, महाराज रणजीत सिंह जिसका काबल कंधार तक कामते थे लोग, जालम कामते थे, माँ के कहा करती थी बच्चा सो जा, हरि सिंह नलुआ आ गया, ये महाराज रणजीत सिंह का वो वक्त, पूरा पूरा काबल कंधार तक इस पंजाब का कब्जा था। आज आपके होते हुए वो आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, यहाँ नार्को टेररिज्म फैलाते हैं, यहाँ खालिस्तान के नारे मरवाते, यहाँ बम ब्लास्ट कराते लुधियाना के अंदर, वो चुप बैठे रहे और मारा रंजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कौन से खालिस्तानी हो? आप हो कौन बताइए? आपकी जमीर, आपकी अणखुणवक मानता जब जाके पाकिस्तान सरहद पार जाते, वहां से भी कश्मीर से आते हैं, जाते शहादत दे देते, उधर हम भी आपको सलूट करते, जाते काबुल कंधार, किन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया, हमारी बहनों को किन्होंने गोलियों से शहीद किया, बातें खालिस्तान की, मजलूमों को डराते हो, पहले मजलूमों को आपने 36,000 मजलूम मारे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर उनके साहबजादों ने कुर्बानी दे दी,
इस मानवता के लिए कौन से ऐसे ग्रंथ साहब में लिखा है कि हम मानवता को मारेंगे, हम हिंदू को मारेंगे, हम मुसलमान को मारेंगे, हम ईसाई सिख को मारेंगे, जो आपका नारा नहीं लगाएगा उनको मार देंगे। सिख कौम, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, हर के लिए बनी मजलूमों की रक्षा के लिए। सिख कौम सिखों के लिए नहीं बनी, सिख कौम इस दुनिया के लिए एक नाम बनाया हमारे गुरु साहबानों ने कुर्बानियां करके। रहे आप तो गदार हो कौम के, आप मजलूमों को मारते हो, बेसहारे लोगों को मार के कहते हम खालिस्तानी हैं। अरे आपके अंदर इतनी दिलेरिया, जाओ जाके कश्मीर ढूंढो जिसने हमारी सिख बहन को शहीद किया था, जाओ जाके पाकिस्तान। इनकी ऐसी की तैसी, ये गुंडे बदमाश, ये रोज रोज कोई ना कोई मुद्दे पे इस पंजाब को बदनाम करते हैं। आप भी तो यहाँ रहते हैं, आपका हमारा रिश्ता 9 मास का रिश्ता है, उस 9 मास के रिश्ते को ये तोड़ने की कोशिश करते, कभी भी हमारे इस 9 मास के रिश्ते को कभी को बम गोलियां इतनी चली कभी को तोड़ नहीं सकता। हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा, और इसको कभी टूटने नहीं।